हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी न कभी इस बारे में जरूर सोचा होगा कि हमारे देश में हमारी सरकार महंगाई की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे करती है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ महंगाई की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ महंगाई की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इंडेक्स यूज किए जाते हैं। इंडेक्स मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे ही महंगाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे यहाँ कुछ इंडेक्स यूज किए जाते हैं। एक इंडेक्स का नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आज मैं ये भी बताऊंगा ये दोनों क्या है और ये भी डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में से बेहतर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेसिस क्या है? ये कहते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि ये बता रहा है कि जितनी भी कमोडिटीज हैं उनकी होलसेल प्राइस में कितना चेंज आया मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर। ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कमोडिटीज की होलसेल प्राइस में क्या चेंज आया। अब आप बताइए, हम जब किसी दुकान पर जाकर कुछ चीज खरीदते हैं तो मैं होलसेल प्राइस पर खरीद के लाता हूं या रिटेल प्राइस पर? तो आप कहोगे रिटेल प्राइस पर, क्योंकि हम तो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारे लिए सही कैलकुलेशन बताएगा ही नहीं। कई बार स्टूडेंट्स भी मुझसे क्लास में पूछते हैं कि सर, अभी मैंने आज न्यूज देखी कि भारत में महंगाई की रेट 10% हो गई। पर सर, रियल लेवल की अगर मैं बात करूं, मैं एक्चुअल में अगर कुछ चीजें खरीदने जाता हूं तो ओवरऑल मुझे लगता है 20-25% महंगाई बढ़ गई है सर, तो क्या ये गवर्नमेंट डेटा छुपा रही है? क्या गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है? थोड़ी देर बाद शायद आपको इस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडेक्स के डिफरेंसेस है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन चल ही नहीं रही है। ये तो जब फैक्ट्री से होलसेलर गुड्स खरीदता है तब की बात चल रही है, उस लेवल पर महंगाई की कैलकुलेशन है। कौन कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग और व्यापार वाणिज्य मंत्रालय जो है वो ये कैलकुलेट करता है। ये फर्स्ट स्टेज है हमारी सप्लाई चेन की फर्स्ट स्टेज है जब होलसेलर खरीदता है। हम जहां से खरीदते हैं वो सप्लाई चेन की लास्ट स्टेज है। आगे होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स की प्राइस को कवर करता है, जबकि हम एज अ कंज्यूमर सर्विसेज भी तो कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज भी तो हम लेते हैं कहीं ना कहीं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए टोटल 697 आइटम्स कंसीडर किए जाते हैं, इनकी होलसेल प्राइस कंसीडर की जाती है। अब ये कौन कौन से है 697 आइटम्स, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। WIP की बास्केट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सबसे पहले हमने यहाँ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को कवर किया है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, वियरिंग अपेरल्स जो कपड़े हम पहनते हैं, फार्मा और केमिकल एटसेट्रा। ऐसे टोटल 564 आइटम्स हमने कंसीडर किए हुए हैं WPI की कैलकुलेशन के लिए, और इन्हें वेटेज मींस इंपोर्टेंस, हम कैलकुलेशन में 64% इंपोर्टेंस देते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। फिर आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स जो एक व्यक्ति रेगुलरली कहीं ना कहीं यूज करता है। ऐसे 117 आइटम्स कवर्ड है WPI की कैलकुलेशन में, जैसे कि फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल, क्रूड, पेट्रोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। लास्ट में हमने कंसिडर किया हुआ है फ्यूल एंड पावर, 16 आइटम्स कवर किए हैं यहाँ, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी। आप भी जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की रेट में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी की रेट बढ़ी तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। इसे वेट दिया हुआ है 13% और प्राइमरी आर्टिकल्स को इंपोर्टेंस या वेट दिया हुआ है 22.62%। ये वेटेज किस कैलकुलेशन में काम आते हैं? इंडेक्स की कैलकुलेशन में ये वेटेज भी काम आते हैं। जब हम WPI या CPI को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने दो टारगेट रहते हैं। पहला टारगेट है कि WPI का इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और दूसरा टारगेट है कि इस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। बेसिक समझने के लिए केवल ये ही बहुत होगा कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये किसी और वीडियो में डेफिनेटली कभी और कवर करूंगा, लेकिन आज बहुत बेसिक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वेट का काम है इंडेक्स की कैलकुलेशन में। ऐसा करके टोटल 697 आइटम्स हमने कंसिडर किए हुए WPI में। अब WPI से इनफ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखो,
ये एग्जाम्पल नहीं है, ये फैक्ट है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। WPI के लिए बेस ईयर कवर किया हुआ है 11-12, मतलब 2011 2012 की वो 697 आइटम्स की रेट को हमने बेस माना है। मतलब अगर आज उस कैलकुलेशन से होलसेल प्राइस इंडेक्स 140 हो जाए तो इसका मतलब है कि 2011-12 के कंपैरिजन में आज तक 40% का गैप आ गया है, 40% इन्फ्लेशन हो गया है तब से लेकर आज तक। तो 2011-12 बेस ईयर है और बेस इंडेक्स कंसिडर किया है 100। अब एक्चुअल फैक्ट की बात करते हैं, अप्रैल 20 में ये WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स था 119.2 और अप्रैल 21 में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स था 131। अब इससे महंगाई कैसे कैलकुलेट करोगे? पहली बात, महंगाई WPI की कैलकुलेशन हमारे यहाँ वीकली बेसिस पर पहले हुआ करती थी, अब मंथली बेसिस पर हुआ करती है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मंथ ईयरली बेसिस पर कंपेयर किए जाते हैं। अप्रैल 21 की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए अप्रैल 21 का इंडेक्स अप्रैल 20 के साथ कंपेयर किया जाता है। वैसे ही अगर मई 21 का इन्फ्लेशन निकालना है तो मई 21 के WPI को मई 20 के WPI से कंपेयर करूंगा। आपको कंपैरिजन कैसे होता है, अप्रैल 21 की महंगाई कैसे निकलेगी? इंडेक्स 131 हो गया 119 से, मतलब करीब करीब 12 इंडेक्स बढ़ गया, 12 क्या जो अमाउंट है, 12 का अमाउंट से हमारा इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स 12 से बढ़ गया। अपॉन व्हाट, कितने पर 12 बढ़ा, 119 पर 12 इंडेक्स बढ़ गया। मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.49%। और यही हमने मई के दौरान न्यूज सुनी थी कि अप्रैल 2021 में इन्फ्लेशन 10.49% रहा। लेकिन ये कौन सा इन्फ्लेशन है? इट इज नॉट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि कहीं ना कहीं हम पर सही से एप्लीकेबल नहीं है। हम लोगों को अगर जानना है ना महंगाई कितनी, हम पर कितनी महंगाई एप्लीकेबल हुई है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन में क्या कवर्ड है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2014 से RBI ने माना की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब RBI भी मान रही है कि यही ज्यादा सही हम पर एप्लीकेबल इन्फ्लेशन की रेट है। 2014 में RBI ने भी माना। इसकी बास्केट ना थोड़ी सी बड़ी है, WPI की कैलकुलेशन के लिए 697 आइटम्स कवर्ड है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए 908 आइटम्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ गुड्स के अलावा सर्विसेज भी कंसीडर की जा रही हैं। लेकिन CPI दो लेवल पर निकाला जाता है, रूरल एंड अर्बन, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थोड़े थोड़े से डेफिनेटली अलग है। तो CPI 448 आइटम्स के थ्रू कैलकुलेट होता है CPI रूरल, और CPI अर्बन बास्केट में 460 आइटम्स है, और तीसरा CPI निकाला जाता है CPI कंबाइंड, एक एवरेज ओवरऑल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी कंक्लूड करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एट द कंज्यूमर लेवल। ये लास्ट स्टेज है हमारी सप्लाई चेन की जिस पर कैलकुलेट हो रहा है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO इसको कैलकुलेट करता है। गुड्स के अलावा सर्विसेज भी कवर्ड है, और टोटल 908 आइटम्स की कैलकुलेशन से ये CPI बनता है। इट मींस अगर मैं फिर कहूं तो अगर हमें कभी जानना हो कि एक्चुअल में महंगाई की रेट क्या है हमारे अकॉर्डिंग, तो उसका एक्चुअल मेजर क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। किसी दिन मैं ये भी डेफिनेटली कैलकुलेशन बताऊंगा कि WPI का ये इंडेक्स जो 131 कैलकुलेट हुआ वेटेज करके, ये जो वेट आपने अलग अलग दिए थे उसको कंसिडर करके 131 कैसे कैलकुलेट हुआ। पर आज के लिए इतना ही कि WPI और CPI में से क्या बेहतर है, तो हम कहेंगे हमारे लिए CPI बेहतर है। थैंक यू सो मच।